हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मकर संक्रांति है और दोस्तों आज हम लोग सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट बालीपाड़ा ब्लॉक तथा मानसरी गांव पंचायत के अंतर्गत रोमेरी गांव से हम लोग जाने वाले हैं परशुराम कुंड। और गाइस दुआ कीजिएगा हमारा यात्रा सफल हो, सो ताकि मैं वहाँ पर पहुँच के आप लोगों के लिए अच्छा ब्लॉग पेश कर सकूँ। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो, मैं स्पेशली सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर जाने के लिए मौका दिया है। तो गाइज मलाई मौका दिने में सबैलाई धन्यवाद, राधे राधे। पर आप लोग देख सकते हो एक बड़ा सा बैनर है, यहाँ पर लिखा गया है तीर्थ यात्रा रोमेरी टू परशुराम कुंड। सो गाइस फाइनली हम लोग विश्वनाथ चाराली पहुंच चुके हैं और यहां पर शाम का व्यू है विश्वनाथ चाराली का और हम लोग यहां पर पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं, देख सकते हो गाइस। भर्खर आइपुग्यो अब नाम छ गेट बाबा पल्ला गाडी एन्ट्री भयो। यूट्यूबर मनु देवरी जी का घर यहाँ से 2-3 किलोमीटर उधर है, अगर लौटते वक्त मौका मिलेगा तो जरूर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बिहू का तिल पिठा है और इधर बड़ा चावल का पिठा बना है, देखो गाइस। अभी सुबह का 7 बजने वाले हैं और ब्यूटीफुल सनराइज देख सकते हो आप लोग। फाइनली 12 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश लोहित डिस्ट्रिक्ट। और ये जो लोकेशन लोकेट है ये है लोहित रिवर के पास, काफी शानदार नजारा है। रोमेरी गांव का जितने भी श्रद्धालु ये गाड़ी में है और हम लोग ये गाड़ी में आए हुए हैं। 12 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और काफी तेज हवाएं चल रही है, यहाँ पर काफी शानदार नजारा है। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, जब आप लोग यहाँ पर आओगे आपका दिल खिल जाएगा।
परशुराम बाबा। दोस्तों इस जगह में श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। जरूर आगे जाकर इस ब्लॉग को मैं कवर करूंगा। आज परशुराम कुंड के बारे में जितना भी जानकारी है जरूर आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा मैं। परशुराम जी ने अपने पिताजी का आज्ञा पालन करते हुए अपना माता जी का वध कर दिया था और वध करने के बाद पापों से प्रायश्चित होने के लिए यहाँ पर नहाए थे। यही वो जगह है दोस्तों, यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने पितृ यज्ञ पालन करते हुए माता जी का वध कर दिया था और वध करने के बाद पापों से प्रायश्चित होने के लिए यही नदी है, यहीं पर स्नान किए हुए थे। आप लोग देख सकते हो गाइस, तब से दोस्तों परंपरा ये रहा है कि हम जाने अनजाने में किए गए पापों से प्रायश्चित होने के लिए यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन लोग देश विदेश से यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। सो गाइस, देखो गाइस ट्रेकिंग करना इतना आसान बात नहीं होता है यार। जो लोग दूर दूर बद्रीनाथ बद्री के दर जाते हैं उनको क्या होता होगा, कितना मेहनत करना पड़ता है यार। गाइज इधर आप लोग देख सकते हो भगवान नारायण जी का मंदिर है और इधर आप लोग देख सकते हो हनुमान जी का मंदिर है और इधर कुछ दुकान है आप लोग देख सकते हो गाइज, और आगे मैं दिखाऊंगा, काफ़ी शानदार नज़ारा है देख सकते हो आप लोग। ये देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा है और अभी मैं हम लोग जाने वाले हैं वो मंदिर में। माघ संक्रांति को ये उपलक्ष्य में आयोजित होने प्रत्येक वर्ष यो पौराणिक युग देखि नहीं चल रखे ये परंपरा र यो स्थल में आएर एउटा पवित्र मनले स्नान गरेर आफ्नो कर्म जीवन में भएका अजानित भएका पापहरु मोचन हुन्छ भन्ने जुन परम्परा मुताबिक विश्वास छ, त्यो विश्वासलाई बरकरार राख्दै यो संक्रान्तिको उपलक्ष्यमा सबै हिन्दू श्रद्धालुहरु आएर यो जग्गामा स्नान गर्दिँदा र यो परशुराम जी को मंदिर दर्शन गरेर पुण्य पाइन्छ भन्ने विश्वास राख्दै आज हामी यहाँ उपस्थित भएका हौ र वहाँ देवसंजोग
हाम्रा वीर शहीद निरज छेत्रीज्यूका पिता माता पनि हामीले भेट्यौँ र उहाँहरूलाई पनि हामीले यो पवित्र स्थलमा भेटेर साह्रै नै आनन्दित भएका छौँ र आउने दिनहरूमा यसरी नै यो परम्परा बरकरार रहोस् भन्दै मेरो भन्ने यही हुन्छ। तो गाइस बारिश भी हो रही है और मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भगवान परशुराम जी का मंदिर है, आप लोग देख सकते हो गाइस। ये मेला को एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं क्योंकि बारिश भी आ रही है, तो यहाँ से अभी हमें निकलना चाहिए, बारिश हो रही है। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेट होकर आप लोगों के सामने शानदार ब्लॉग पेश कर सके यार।